में आधा पानी मिला करके खीर का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही स्त्री को व्यास गद्दी पर बिठाकर कथा सुनने से एकदम निरर्थक है, वो लाभ कम हो जाएगा, विधि विपरीत हो जाएगा, और विधि विपरीत जो काम होता है वो लाभप्रद नहीं होता है। जन अदालत न्यूज के साथ मैं हूँ राजा भैया पाल। देवी प्राण भागवताचार्य मिथिलेश दास जी महाराज वृंदावन धाम से आज आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधी बात। कई लोगों से ये प्रश्न किया है, आज तक इस प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं है। हमारा आपसे प्रश्न है, आज जगह जगह ये सुनने में आता है कि जो स्त्री है, जो महिला है, उसको ना ही भागवत कथा कहने का अधिकार है और ना ही ब्यास गद्दी पर बैठकर कोई भी प्रवचन करने का अधिकार है, तो ये कहाँ तक सत्यता है? देखिए, पौराणिक दृष्टि से उसमें लिखा है कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और द्विजबंधु का मतलब ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले, ये इन पुराणों के अधिकारी नहीं हैं। आपका प्रश्न है स्त्री के लिए। स्त्री शब्द तीन प्रकार से है। जैसे स्त्री जब तक कन्या रूप में है, आप पुष्पिणी है, जब तक उसका स्त्रीत्व तो प्रकट नहीं होता है, आप समझ लेंगे संकेत में, तब तक वो पूज्या है। वो व्यास गद्दी पर बैठ सकती है, वो उपदेश कर सकती है, जैसे जगदम्बा स्वयं देवताओं को उपदेश करती है। चूंकि जगदम्बा सांसारिक विकारों से मुक्त है तो भगवती भी स्त्री है। स्त्री के तीन स्वरूप होते हैं, उसमें पहला स्वरूप जो कन्या रूप है वो पूज्य है, और बीच का जो उसका स्वरूप है जो स्त्री रूप है, जो पत्नी रूप है, वो स्वरूप छोड़ करके फिर जब वो माँ के रूप में आ जाती है और पुनः संन्यास उसके जीवन का हो जाता है, तब वो पूज्य हो जाती है। नियम केवल ये है कि स्त्री चूंकि पवित्रता की दृष्टि से शास्त्रों ने उसको निषिद्ध माना है, इसलिए व्यास गद्दी और प्रवचन मंच दोनों अलग अलग होते हैं। केवल हमारे पुराणों में व्यास गद्दी का निषेध है। व्यास गद्दी पर बैठने का एक नियम है, उस नियम के अनुसार स्त्री उसमें ग्रहण नहीं होती है। बाकी सामाजिक रूप में स्त्री तो हमारी प्रथम गुरु मानी जाती है, माता प्रथमो गुरु के सिद्धांत से माता गुरु ही है, तो माता स्त्री ही तो होती है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को संस्कारवान बनाती है, अपने पति को राह सलाह देती है, तो स्त्री उपदेशक नहीं हो सकती है, स्त्री अच्छी बात नहीं कह सकती। बात यह नहीं है, स्त्री व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास की पद्धति के रूप में कथा कहे, इसका निषेध है केवल। बाकी स्त्री समाज में अच्छी बात कहे, अच्छे लोगों को जोड़े, सबको अच्छा बनाए। जब एक स्त्री संतान को जन्म देकर संस्कार देती है तो एक स्त्री हमारे यहाँ स्त्री नहीं मानी गई है, स्त्री को माँ माना है, और माँ तो सारे समाज की जननी होती है, तो सारे समाज को सही दिशा देना स्त्री का परम धर्म है। हमारे पुराण भी कह रहे हैं कि यदि स्त्री ना होती, हमारे यहाँ कितनी विदुषी स्त्रियाँ हुई हैं, मंदालसा हुई है, गार्गी हुई हैं, मैत्रेयी हुई हैं, मीरा जैसी भक्त हुई हैं। तो स्त्रियों में भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, ऐसी बात नहीं है। केवल निषेध है व्यास गद्दी का। व्यास गद्दी की जो पद्धति है पौराणिक रूप से, इसमें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि श्री सूत जी महाराज जो हमारे संपूर्ण पुराणों के वक्ता हैं, वो सूत जी महाराज को भी व्यास जी ने व्यास गद्दी पर बैठने से निषेध किया था, क्योंकि सूत जी के भी जन्म में माँ और पिता अलग अलग वर्ग के हैं, इसलिए उनसे भी कहा था कि आप व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास रूप में कथा नहीं कह सकते। तब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में आए और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया और प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया, इस मर्यादा का पालन किया उन्होंने। तो मर्यादा का पालन करना ही विद्वता है, ज्ञान है। तो स्त्री को व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास पद्धति से कथा कहने का शास्त्रीय निषेध है, पौराणिक निषेध है, नियम के प्रतिकूल है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्त्री अच्छी बात कह सकती है, समाज को समझा सकती है, यदि वो विदुषी है तो वो सामाजिकता के रूप में कोई प्रवचन कर सकती है। जी सवाल है आपसे, व्यास गद्दी से बैठकर यदि भागवत कथा करती है तो पारिषद को उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा है कि जब कोई व्यवस्था परीक्षित और व्यास, ये एक वैदिक पद्धति है, जब हम विधि के विपरीत काम करेंगे तो लाभ में कोई ना कोई कमी तो आएगी ही। मान लीजिए कि आप अकेले दूध की खीर बना करके पाएं, समझने की, तो उस खीर का स्वाद अलग होगा, पर उस दूध में आधा पानी मिला दें, फिर उसमें खीर बनाएं,
तो स्वाद में कमी आएगी कि नहीं। तो जिस तरह से दूध में आधा पानी मिला करके खीर का स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे ही स्त्री को व्यास गद्दी पर बिठाकर कथा सुनने से एकदम निरर्थक है ऐसी बात नहीं है, पर आधे पानी के दूध में बनाई हुई खीर की तरह वो लाभ कम हो जाएगा, विधि विपरीत हो जाएगा, और विधि विपरीत जो काम होता है वो लाभप्रद नहीं होता है। इसलिए विपरीत भाई प्रणाम क्यों सुनते हैं, भागवत सुनते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म की विधि के विपरीत हम काम करें तो पहले से हम गलती कर बैठे। लाभ क्या मिलेगा कि वो महिला है, विदुषी है, वो अच्छी बात कह रही है, आप अच्छी बात को सुने उसके अनुसार आचरण करें तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन विधि बिगाड़ने का दोष तो होगा ही, दोष लग जाएगा आपको, दोष लगेगा। तो इसलिए चाहिए ये कि जब आदमी भागवत की कथा या पुराणों की कथा इसलिए करता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर धर्म के जो नियम है उन्हीं का पालन करना चाहिए। हम आपसे प्रश्न करते हैं, हमारी मीराबाई इतनी बड़ी विदुषी थी, गार्गी विदुषी थी, मंदालसा विदुषी थी, परम विदुषी थी, पर इन्होंने कभी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा क्यों नहीं कही? आज जिनके पदों पर, जिनके गीतों पर हम लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो माताएं कभी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा नहीं बांधी, जिनके पदों को हम लोग व्यास गद्दी से गा रहे हैं, तो क्या कारण था? एक विचार करने का विषय, क्या कारण था? वो भी जानती थी भागवत को, उनकी कथा भागवत में कही जाती है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक वही है, सनातनी वही है, विद्वान वही है जो वैदिक पद्धति का पालन करे। उन बहनों से भी हमारी प्रार्थना है, उन माताओं से हमारी प्रार्थना है कि जो विदुषी होकर के जिस भागवत का वो कथानक कर रही हैं, उसी भागवत की विधि को बिगाड़ रही हैं, ये उनके लिए भी अपने लिए दोष है। इसलिए किसने क्या कहा ये बात नहीं है, अपने अपने स्तर की सारी बातें होती हैं, लेकिन स्त्री समाज में सर्वमान्य है, आदरणीय है, सम्माननीय है, वो श्लाघनीय है, लेकिन मंदालसा की तरह, मीरा की तरह, गार्गी की तरह, मैत्रेयी की तरह, अनसुईया की तरह, अनसुईया जी ने सीता जी को पति वरदान उपदेश किया कि नहीं किया? सारे जगत में प्रसिद्ध है, और वो सब लोग हम लोग बताते हैं सबको, लेकिन व्यास गद्दी से नहीं, आश्रम में बैठ करके उस प्रकार से स्त्री को पूरे समाज को उपदेश करने का अधिकार है, लेकिन व्यास गद्दी की पद्धति का जो वैदिक नियम है उसकी अवज्ञा करना अपराध हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है।